अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन मैथ्स ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स. इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन इन द फर्स्ट प्रीवियस होमवर्क एंड देन टुडेज टॉपिक. मींस टॉपिक मींस टुडे आई विल एक्सप्लेनिंग एंड सॉल्विंग द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3B. एंड लिसन, वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, क्लास 8 स्टूडेंट अटेंडेंस इज वेरी लेस, सो प्लीज एवरीवन राइट योर नेम, क्लास एंड सेक्शन इन द कमेंट बॉक्स. Attendance is very important, so keep in mind. Now let's start the today's topic. And first is a so in previous video means I have explained you how to find the decimal number square root. So this is very easy. We can find same like as a whole number square root by the long division method. By the long division method, हम यहाँ जैसे आप find करते हो long division method का वैसे ही find करेंगे. बस यहाँ only one thing is different here, decimal hai. So decimal after the decimal, so we make the pair where from left to right, and in the whole number part make the pair right to left. Bas yahi difference hai ki hum decimal mein kya karte hain, jo decimal number part hota hai number usme left to right pair banate hain, और जो डेसिमल जो इसका नंबर पार्ट होता है, होल नंबर का पार्ट होता है, उसमें हमको पता है कैसे बनाते हो आप, कैसे बनाते हो राइट टू लेफ्ट. सो दिस इज अ वेरी इजी, सो वी कैन सॉल्व लाइक एज अ होल नंबर लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो व्हाट इज हियर गिवन, 4, 5, 5, 6.25 पेयर बन गया, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड एंड देन वी ड्रॉ द लाइन here like this. थोड़ा स्पेस यहां कम है, डजंट मैटर, वो हो गया. नाउ अब आपको स्टेप्स पता है क्या होता है. फर्स्ट इन द फर्स्ट स्टेप पेयर इज डन. नाउ इन द सेकेंड स्टेप वी फाइंड द व्हाट, वी फाइंड द स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द लेफ्ट साइड नंबर, आर लेफ्ट साइड पेयर. विच व्हाट इज द लेफ्ट साइड पेयर, 45. So 45, but 45 perfect square है नहीं, तो क्या करेंगे, इसके nearest या closest perfect square find करेंगे. इसके nearest क्या पड़ेगा, 36. 36 के बाद कोई perfect square है नहीं, फिर direct क्या होता है, 49. 49 is greater than and 36 is a nearest and closest perfect square of the 45. तो second step क्या करेंगे, 36 किस number का perfect square है, 6. सिक्स देन सिक्स सिक्स 36 एंड वही नंबर जो आप यहां राइट करोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 हो गया. फिर उसी नंबर को आप इसमें ऐड करोगे, ये क्या हो जाएगा, 12 देन सब्ट्रैक्ट, यू गेट द 9. 15 माइनस 6 9, और फिर टोटल पेयर ऑफ सेकंड आ जाएगा डाउनसाइड. और फिर नाउ नेक्स्ट स्टेप, यू नो दैट हियर इज अ स्पेस, सो यहां का नंबर आपको फाइंड करना है कि यहां का नंबर क्या हो सकता है, जिस नंबर से आप सेम नंबर यहां ऐड करोगे वही नंबर आप ऐड करोगे, वही नंबर आप अपसाइड में ऐड करोगे, लेकिन आपको उस नंबर को फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से आपको 956 मिल जाए. सो व्हाट हियर वी गेट, यहां 12 है, आपको वो नंबर ढूंढना है और 6 आना है, तो क्या हो सकता है, सोचो सोचो थोड़ा सा. 8, 7, 6 व्हाट, 6 वी कैन ट्राई इट, 6 6 36, ओके देन 3 इज वेर, 3 now 6 to the 12 plus 3 5 15 and the 6 1 the 6 6 1 the 6 plus 1 7 756, you can try it, 7 7 7 is a 49, 7 to the 14 plus 4 then 7 1 the 7 8 then 8 8 is more than, 8 will be more because here is 956,
8 you can try 227 multiply by 8 7 is 56 8 try kar lo 8 2 ja 16 plus 21 128 this is 8 8 will be greater than now 7 here 7 yahan bhi hoga 7 se multiply karo 7 7 ja 49 9 7 2 ja 14 plus 4 18 7 1 ja 7 plus 1 8 subtract 7 add ho jayega this is what 14 3 and 1 then 16 minus 9 9 16 16 minus 9 7 14 minus 8 14 minus 8 6 and then अब देखो यहां यहां क्या हुआ 25 है डेसिमल है तो डेसिमल आप यहां यूज कर दोगे और 25 को लैंड करा दोगे पूरा 25 हो गया अब आपको 25 लाना है 6725 पूरा लाना है अब यहां वो नंबर ऐड होना चाहिए कि कौन सा नंबर होगा जिसको आप मल्टीप्लाई इससे करोगे आपको 6725 मिल जाएगा तो सर्च करो कौन सा नंबर सकता है 5 है 5 कैसे मिल सकता है 5 5 जैसे मिल सकता है 5 25 तो डायरेक्टली ट्रायल एंड एरर मेथड से हम ट्राई करेंगे 6725 सो 334 5 से मल्टीप्लाई करो 5 5 जा 25 5 4 जा 20 प्लस 2 22 5 3 जा 15 प्लस 2 17 5 1 जा 5 सेम नंबर 6725 देन 5 देन 0 5 हियर इज आल्सो 5 5 10 4 1 5 3 1 their answer will be 675 what 67.5 67 is the square root of so you can write the 4556.25 square root is equal to 67.5 in short form mein sun lo kaise karna hai pehle aap pair banaoge dono ka make the pair first left to right right to left then find the perfect square फिर then subtract the number and add the same number in here जो number आप यहाँ add करोगे वही number यहाँ add करोगे वही number इसमें add होगा तो 112 है अब आप वो number search करोगे जिससे multiply करने पे या तो ये है या तो nearest इसके number 956 तो आपको क्या मिला 7 7 हमको मिला 889 89 को subtract किया 67 मिला फिर वही process पूरा repeat होगा और आपको ये number मिल जाएगा now next question In the next question, what is given here? Here is the given question is saying evaluate. यहाँ evaluation करना है 56 and 569 upon 1225. This is the mixed fraction. ये किसमें दिया है? Mixed fraction में. तो firstly we convert in an improper fraction. So how we can convert? And question is saying find the square root. क्या कह रहा है इसका? Square root find करने के लिए कह रहा है. So how we can find? So find by the long division method. When we convert this number In the improper fraction, then we get what 69,169 upon 1225. ये हमको मिला. अब इसका square root हम find करेंगे long division method से. Same सारी process यही apply होगी. कैसे? फिर 69,169 square root. 69,169 square root. So pair one, then 16 pair then this pair and 6 अब यहां 6 क्या है 6 के पास एक ही नंबर है बट पेयर में हमेशा स्टार्ट करेंगे कहां से राइट हैंड साइड से जब होल नंबर रहेगा तो क्या करोगे आप इसको पेयर बनाने के बाद देन आफ्टर द मेकिंग द पेयर वी गेट द व्हाट 6 एट द लेफ्ट साइड देन वी फाइंड द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द 6 सो नो ही नंबर्स नियरेस्ट आर दिस इज बिकॉज़ 6 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर 6 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो व्हाट इज द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ द 6 4 सो 4 कैसे मिलता है व्हिच नंबर 2 2 से देन 2 2s आर 2s आर प्लस 2 देन दिस इज 4 माइनस 4 एंड नाउ वी लैंड द ऑल द नंबर्स व्हिच वन नेक्स्ट पेयर 91 नेक्स्ट पेयर है तो पूरा पूरा हम ले आएंगे यहां इसके बाद फिर 491 सॉरी 2 2 4 माइनस
अब 291 लाना है आपको। अभी कैसे होगा, फाइंड करो वो नंबर जिससे आपको 291 मिल जाए। ट्राई करो वो 6531। यहां क्या है, आपके पास सिर्फ 4 है और ये 291 है। आपको वो नंबर यहां राइट करना है, उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो हाउ वी कैन फाइंड दिस नंबर, वी कैन फाइंड बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। सो नाउ हियर इज अ मल्टीप्लाई, सपोज दैट इज अ ब्लैंक बॉक्स, इज अ ब्लैंक बॉक्स एंड हाउ वी कैन गेट द 291। सो 9, 8, 7, 6, सो यू कैन ट्राई टू 7, 7 इज 49, 7 फॉर द 28, 32 इज ग्रेटर देन, ग्रेटर हो जाएगा। फिर अगर 6 कैन ट्राई द 6, 6 इज 36, 6 इज 36, 6 फॉर द 24 प्लस 3 27, सो 6 हो सकता है बिकॉज 7 विल बी ग्रेटर देन। नाउ 6 ऐड, this is a 52, so what we get, the 276 minus 11 minus 6 5, what 8 is minus 7 1, are you get 0, isko add karoge kya ho jayega 69, now 1569। ab yahan kya hai, 3 ho sakta hai wo number 3, so 3 3 is a 9, 3 2 is a 6, 3 5 is a 15. So this is the next step. Now answer will be what? So first, this number square root is a 263. What? 60,169 square root is a 263. Iska square root ye ho jayega. Fir iska square root hum aise hi find kar lenge. 12, 25. Same as make the pair. Pair banao. पेयर बनाने के बाद क्या होगा, इसका नियरेस्ट 3, यहां से 3 3 9, 3 प्लस 6 3 25 डाउन, राइट डाउन एंड देन, सो नेक्स्ट इज अ 6 3 मल्टीप्लाई 3 3 9 एंड देन द सेम नंबर वी कैन ऐड हियर। So what is it now? Minus 12 minus 9, 3 and then 6. उसके बाद क्या करेंगे? 25 को लैंड कराएंगे. Then we write down the 25 and now we get the 325. And then we find the which number? Find the number which one is a multiply both and add here both and then we get the 325. So which number we can do it? So 6, 5. So here will be 5. 325 minus plus 5 is 70 and 0 and then what is the under root? 1225 is under root 35 and this under root 69119 is what is square root of 6919 is 263. Now question, it will be 69,169 upon 1225 square root will be 263 upon 35. This is the answer of this question. So now next question is to find the value of under root 3136 and use it to find the value of 31.36 plus 0.316. We can find easily this number. Sirf aapko kya karna hai, first we find the square under square root of the 3136 by long division method or you can find by the prime factor. So what is the 3136, ye rule apply karoge then we get what, 56. So 3136 square root will be 56 by long division method. So therefore agar ye iska square 56 hua, so therefore 31.36 square root will be 5.6. iska square root 56 hoga, iska square root 5.6 hoga, decimal ka square root aise hi find karoge decimal ki tarah, to aapko kya milega 5.6. now so again, so therefore 0.3136 ka square root kya ho jayega 0.56.
Firstly, we find the square root of the 3136. You can find 3136 by the long division method. Pair and what number after this number nearest or closest pair? Kya ho sakta hai? 3, 4, 5, then 6 not 5, 5 5 is 25. And then what is here? 11 minus 5, 6, 36, 5, 5, 10. 6 kar do. 6, 36, 6, minus 0. Then this is 6. So square root of the 3136, it will be 56. So firstly, we find the square root of 3056 by long division method and we get the 56. Iska square root find karenge. Humko milga 56. Fir, isi ke according, hum iska square root mil jayega. Aapko kya 5.6, 0.56. Then the question is saying, find the value of, dono ka sum, find the value of this. So therefore, under root 31.36 plus 0.3136 is equal to 5.6 plus 0.56. Add kar do. So how we can, if you don't, if any confusion, you can add properly 5.6. This is a 6, 11, then 6, 6.16. This is the answer of the this question. So this was all about the for today. And listen, today's homework is question number. So what is your today homework? Today homework will be question number 6, 7. And question number, you can also solve the 8. 8 that is given in a which form? In a decimal form. Koi bhi number decimal form 0.5 hai. To kaise hai 0.25? Kaise iska find kaise to? We have a two method. By the long division method or by this method. By fraction method. 25, 100. So what is the square root of 25? 5. And what is square root of 100? 10. So you can find easily. So your homework is a question number 6 and 7. So SW, what is date today? SW of 14, 7 and 20 is question number 6 and 7 of exercise 3B. So this was all about for the exercise 3B. Now in next video, we'll solve the next exercise and which one is a 3C. So student, this was all about the for today. Thank you and take care.